अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पिछले लंबे समय से लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की मांग कर रही है। इसी कड़ी में आज अंबाला में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर महिला कांग्रेस ने 33% आरक्षण की मांग की और डीसी अंबाला को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया कि सभी जिलों के माध्यम से हम 33% आरक्षण की मांग आज नरेंद्र मोदी जी से जिला उपायुक्त के माध्यम से करेंगे, जो कि हमने इससे पूर्व 21 मई राजीव जी की डेथ एनिवर्सरी से लेकर और हमने राष्ट्रपति तक मांग की कि 34 लाख सिग्नेचर करवा के हमने माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपे थे एक सप्ताह पहले, और आज हम हिंदुस्तान के सभी जिलों मुख्यालयों पर उपायुक्तों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय इंदिरा जी को यही होगी कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभाओं में 33% आरक्षण मिले, ये हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं। अगर आरक्षण नहीं देते तो ये बातें बेमानी है कि महिलाएं सशक्त हो सकती हैं इस देश की। महिलाएं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो करते हैं, जब तक इस हिंदुस्तान में विधानसभाओं में और लोकसभाओं में महिलाएं बराबर की हिस्सेदारी में नहीं बैठेंगी, उनकी सुरक्षा की बात, उनको एम्पावरमेंट की बात करना बेमानी है। इस बात की मांग हम आज माननीय नरेंद्र मोदी जी से करते हैं और जिला उपायुक्तों के माध्यम से कर रहे हैं कि ये हमारा ज्ञापन है, ये उनको सौंपा जाए और इसी शीतकालीन स्तर में ये बिल लाया जाए।